चीन चीन और सिर्फ चीन, आज ये देश और इस देश का दिया हुआ जहर पूरी दुनिया पीने को मजबूर है। आप कहीं भी जा रहे हो या कहीं कुछ सुन रहे हो तो चीन और कोरोना बस ये दो चीज ही सुनाई देती हैं। चीन लोगों की जान से ज्यादा अपना फायदा और अपना हित देखता है। यहाँ लोगों की जान जा रही है और चीन यहाँ भी नकली सामान बेचकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। और चीन आज से ही ऐसा नहीं है, उसकी तो सातों पुश्तें ऐसे ही हैं। गरीब और छोटे देशों को कर्ज देकर उन पर कब्जा कर लेना, ये चीन की फितरत रही है। आप ये जानते हैं कि चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कई देशों में आधारभूत ढांचे के विकास करने के लिए समझौते किए हैं और उनमें भारी निवेश किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन अपनी कंपनियों को दुनिया के उन देशों में बिजनेस करने के लिए आगे कर रहा है जहां से एक तरफा मुनाफा कमाया जा सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर्ज रणनीति को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अफ्रीका यूरोप में चीन ने अपना जाल बिछा रखा है। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। दरअसल वर्ष 2013 में जब चीन ने अपने BRI प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी तो उसने एक साल पहले ही चीन ने पूर्वी यूरोप के 16 देशों के साथ मिलकर 16+1 इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। इसमें 16 यूरोपीय देश और एक चीन है। 16+1 को वर्ष 2019 में ग्रीस ने भी ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद ये ग्रुप 17+1 बन गया था। चीन ने इन सब देशों के साथ मिलकर तकनीकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, निवेश और व्यापार जैसे क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करने की योजना को सामने रखा था, जिसे इन देशों ने स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन आज ये सभी 17 के 17 देश चीन की आर्थिक गुंडागर्दी से परेशान हो चुके हैं और अब ये सारे 17 के 17 देश चीन को इस ग्रुप से बाहर निकाल फेंकने की तैयारी में हैं। और यहाँ 17+1 सहयोग तंत्र के सदस्यों में चीन, अल्बेनिया, बोस्निया और हर्जगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, उत्तरी मैसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, साइबेरिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और ग्रीस शामिल हैं। असल में चीन ने यहाँ भी अपनी चाल चली। दरअसल चीन ने इन सब देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन व्यापार बढ़ाने के लिए चीन ने इन देशों में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया, जिससे इन 17 देशों का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। और रिपोर्ट में पाया गया कि 2018 तक चीन के साथ इन 17 देशों का कुल घाटा $75 बिलियन था, जबकि इन सभी 17 देशों से चीन ने केवल $19 बिलियन का ही एक्सपोर्ट किया है। यहाँ चीन कितना चालाक है आपको ये नंबर्स बता सकते हैं। और चीन पकड़ता भी उन देशों को है जिनसे उनका फायदा निकलता हो। रिपोर्ट के अनुसार चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश धीरे धीरे समान अवधि में बढ़ा था। हालांकि इसका 75% चार देशों हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड और स्लोवाकिया में ही केंद्रित था और इसी वजह से बाकी के सदस्य देशों का चीन के प्रति गुस्सा विकराल रूप लेता गया। यही कारण है कि अब ये देश चीन के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं और अपने इस ग्रुप से चालाक चीन को बाहर करके 17+0 की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। अब इन देशों को लगता है कि ये देश खुद ही आपस में सहयोग बढ़ाकर चीन से भी अच्छा काम कर सकते हैं। अब चीन को इस ग्रुप से साफ करने की तैयारी हो रही है। साथ ही साथ जहां जहां चीन की OBOR परियोजना चल रही थी वो देश भी अब चीन के तानाशाही रवैये से परेशान हो चुके हैं। और यहां जैसे जैसे चीन की महामारी ने दुनिया को तबाह करना शुरू कर दिया, चीन की उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, क्योंकि चीन की इस गलती ने पूरी दुनिया को एक कर दिया, जो चीन ने कभी सोचा भी नहीं था। जो दोस्त देश थे उन्होंने चीन से दूरी बनाना शुरू कर दिया। सबका यही कहना है खुद से कर लेंगे, पर चीन और चीनी सामान पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। जहां भारत ने दुनिया को संकट से बचाने के लिए अपने हाथ खोलते हुए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अमेरिका, इजराइल, ब्राजील के साथ साथ उन जरूरतमंद देशों को भेजी जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जहां भारत ने दुनिया के लिए संजीवनी का काम किया है, वहीं चीन दुनिया के सामने महामारी का केंद्र बिंदु बनके सामने आया है।